हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ट्रैकर जोन। तो दोस्तों एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पे इन्होंने जो नई रिक्रूटमेंट निकाली है वो असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर, इन दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो दोस्तों यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो, तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और यदि आप इस वीडियो को छोड़ रहे हैं तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। हम लोग इनके एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे जो इन्होंने पोस्ट निकाली है, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि किस किस जोन में कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज यहाँ पे इनकी तरफ से अनाउंस की गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 यहाँ पे है असिस्टेंट के लिए, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 30 वैकेंसीज में यहाँ पे अनाउंस की गई। सेंट्रल में रीजन में यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है जहाँ पे की 6 वैकेंसीज हैं। ईस्ट सेंट्रल में जो कि बिहार झारखंड एंड उड़ीसा है, वहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न में 3 वैकेंसीज हैं, नॉर्थ सेंट्रल में यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं, और नॉर्दर्न एरिया 2 है, साउथ सेंट्रल में 4 है, साउथ ईस्टर्न में 10 है, साउदर्न एरिया में 2 वैकेंसीज है, और वेस्टर्न जोन में यहाँ पे 15 वैकेंसीज, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 15 इनकी तरफ से मेंशन कर दी गई है, और यहाँ पे 30 वैकेंसीज है जो कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। नीचे आते हैं इस PDF की नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। तो आपको एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आपको एप्लीकेशन भी एक ही बार अप्लाई करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप किसी भी एक रीजन से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया है अपने इस PDF नोटिफिकेशन में। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि आपका जो पोस्टिंग होगा, यदि आप फॉर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रिफरेंस आपको दिया जाएगा, जिस जोन से या जिस रीजन से आप अप्लाई करेंगे उसी रीजन में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। लेकिन जो आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी पोस्टिंग भारत में के किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जो स्टार्ट होगी एप्लीकेशन डेट जो, और ये रजिस्ट्रेशन की, वो 4/8/2022 से एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट हो गई है, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होने वाली है 25/8/2022 होने वाली है। एप्लीकेशन की जो फी पेमेंट है वो भी 25/8/2022 ही होने वाली है, लास्ट डेट भी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपको एडमिट कार्ड का डेट आपको 7 से 14 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, और इसके बाद आपका एप्लीकेशन के लिए जो एग्जामिनेशन है असिस्टेंट के लिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए दोनों का यहाँ पे सितंबर से या अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम कराया जाएगा। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। जो इनिशियल पे बेसिक पे होने वाला है असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो 22,730 रुपीज होगी। उसके साथ साथ आपको अलाउंस बेसिक पे जो होती है आपको दिया जाएगा, जो कि आपको इन हैंड सैलरी 33,960 रुपीज आपको मिलके आएगी। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे 53,620 का बेसिक पे आपकी होने वाली है, और आपका जो टोटल सैलरी जो निकल के आएगी इन हैंड सैलरी 80,110 रुपीज है, जिसमें कि आपको लंच अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और भी जितने भी अलाउंसेज होती हैं आपको दे दिए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड क्या होने वाला है असिस्टेंट पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपका प्रोबेशन 6 मंथ्स का होने वाला है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका जो प्रोबेशन होगा 1 ईयर का यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 इयर्स होनी चाहिए असिस्टेंट पोस्ट के लिए, और असिस्टेंट मैनेजर में यदि आप DME के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके 40 इयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और दूसरी जो पोस्ट है उसके लिए भी इन्होंने ग्रेजुएशन ही मांगा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन। यदि आपके पास DME के लिए, इन्होंने लिखा है कि यदि आपके पास MBA मार्केटिंग में या फाइनेंस में है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप फ्रेशर्स हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इस अदर पोस्ट के लिए भी आप फ्रेशर्स हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे DME के लिए असिस्टेंट मैनेजर के अंदर यहाँ पे 3 इयर्स का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें यहाँ पे उन्होंने एज लिमिट बताया है, जो कि मैंने आपको ऊपर में ही मेंशन कर दिया था कि एज लिमिट क्या होने वाली है। इसके बाद नीचे आते हैं इस नोटिफिकेशन में, तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होने वाला है। तो असिस्टेंट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा और इंटरव्यू भी होगा।
इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर जो कि अदर्स कैटेगरी है उसमें भी सेम है प्रोसीड्यूर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। लेकिन जो डीएमई कैटेगरी का जो पोस्ट है उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा उसके बेसिस पे भी, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा, इंटरव्यू का भी वेटेज दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है जो कि एमसीक्यू होता है, जिसमें कि आपको टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे और आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। इसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो कि 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का, 35 मिनट का टाइम अलॉटमेंट। नीचे आते हैं इस पीडीएफ की नोटिफिकेशन में, तो इसके बाद आपका एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.lichousing.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके कैरियर्स में आपको जाना होगा और वहां पे से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट होने वाली है 25/8/2022, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इससे पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, तो आपका फोटोग्राफ का साइज, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, इसके बाद और भी जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ताकि आप वहां से आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती ना हो। एप्लीकेशन फी क्या होने वाली है, तो एप्लीकेशन फी बहुत ही ज्यादा हाई है, जो कि असिस्टेंट के लिए भी 800 रुपीज एप्लीकेशन फी है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी 800 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है जो कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वही कॉल लेटर आपको जो रिसीव किया जाएगा जो एग्जामिनेशन से पहले। इसके बाद और नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बता देता हूँ, तो हाँ, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्दर्न जोन, साउथ सेंट्रल, यानी कि सारे जो एग्जाम सेंटर्स हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया पे, जितने भी जगह हो सकते हैं, इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर देने की कोशिश की है। यानी कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है, आपके नियर बाई लोकेशन में आपको एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो जरिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ऑथेंटिकेटेड जॉब अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली नई नोटिफिकेशन जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।